करते हुए ताली का जो आनंद आता है वो आप सबको पता है कि ये आनंद मन को कितना एकाग्र करता है, मन में कितना आनंद भर देता है। ताली के ये बेनिफिट्स तो हमें पता है, पर क्या आपको पता है ये ताली हमारे शरीर को कितना तंदुरुस्त रखती है? हमारे हाथों में हमारे पूरे शरीर के प्रतिबिंब केंद्र हैं, यानी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जिन पर विशेष प्रकार से दबाव डालने पर, विशेष प्रकार से क्लैप करने पर उस विशेष ऑर्गन को ठीक किया जा सकता है, उस पर्टिकुलर डिसीज को हील किया जा सकता है। जी हाँ, ताली बजा के हम अपना रोग ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया पाठक, फाउंडर ऑफ निरंकारी योगा सेंटर, आपके ही यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको 10 प्रकार से ताली बजाना सिखाया गया है। हर एक ताली आपके हाथों के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर दबाव डालेगी, जो उसी से संबंधित ऑर्गन को ठीक करेंगे और रोग को ठीक करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और कम से कम भी एक एक मिनट का आपने हर एक क्लैपिंग का अभ्यास करना है। इसमें खाने का कोई इतना योगदान नहीं है, आप ये ताली कभी भी बजा सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और इन तालियों का अभ्यास कीजिए और बैठे बैठे रोगों को ठीक कीजिए। चलिए आइए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हम सामान्य प्रकार से क्लैपिंग करेंगे। इस प्रकार हम अपने हाथों के सभी पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देंगे, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में इंप्रूव होगी और हमारे सभी ऑर्गन्स पर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस प्रकार में आपने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर ताली बजानी है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इफेक्टिव, एक एक मिनट तक आप दोनों हाथों पर इस प्रकार से क्लैप जरूर करेंगे। मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होगा। इस ताली में आपने उल्टे हाथ पर टैपिंग करनी है, ये आपकी पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। आप एक एक मिनट तक आराम से ये ताली बजा सकते हैं। इस प्रकार में आपने अपने सारी फिंगर टिप्स को आपस में टैप करना है। इससे आपको साइनस की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। ये टैप आप कम से कम भी 100 टाइम तो जरूर करें। साइनस की प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। इस प्रकार में आपने अपने सारे फिंगर टिप्स के बीच की गद्दी को आपस में टैप करना है, आपस में पूरा दबाव डालना है, हिट करना है। इससे आपकी ENT की प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, आपकी आई साइड में फर्क रहेगा, आपके जिनको सुनना बंद हो जाता है उनके कानों की शक्ति भी इसमें वापस आ जाएगी, और आपको अगर जुकाम रहता है तो आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। कम से कम भी एक मिनट तक इस टैपिंग का, इस हिटिंग का अभ्यास आप जरूर करें। इस प्रकार में आपने अपने दोनों हाथों को अकड़ा लेना है, जिससे आपके उंगलियों के नीचे का भाग बाहर आ जाएगा। अब आपने इसी को क्लैप करते हुए, ये हमारे लंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट,
बहुत बढ़िया, ये भी आप एक मिनट तक जरूर करें। आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स में जमा हुआ कफ निकलेगा। अगर आपके लंग्स में किसी प्रकार की सूजन तो उसमें भी बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। इस प्रकार में आपने अपने हाथों को अकड़ा लेना है। हथेलियों के नीचे वाले भाग में हमारे इंटेस्टाइन के पॉइंट्स होते हैं, आपने नीचे वाले भाग से क्लैप करनी है। एक मिनट तक क्लैप कीजिए, आपके इंटेस्टाइन में जमा हुआ मल बाहर निकल जाएगा, आपका इंटेस्टाइन डिटॉक्स हो जाएगा। अब आपने मुट्ठी बंद करते हुए अपनी कलाइयों से टैप करना है। हमारे यूट्रस के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, एक मिनट तक आपने इसी प्रकार टैपिंग करनी है। इससे आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब आपने उंगली और अंगूठे के बीच के स्पेस को दूसरे हाथ के स्पेस से टैप करना है और जोर लगा के हिट करना है। 30-30 काउंट इसमें बेस्ट रहेंगे। इससे आपकी गैस्ट्रिक इश्यूज सॉल्व होंगे, जो अफारा हो जाता है उसमें बहुत राहत मिलेगी। खाना खाने के बाद इस प्रकार से की गई टैपिंग आपको हल्का कर देगी, आपके गैस्ट्रिक इश्यूज सॉल्व कर देगी। अब आप अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर लीजिए और दोनों मुट्ठियों को आपस में टैप कीजिए, ताली बजाइए। ये आपकी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ताली है। इसी प्रकार से आपने दूसरी तरफ से भी, अब सेम टैपिंग आपने हाथ खोलकर करनी है। आपकी नर्व्स स्ट्रांग हो जाएंगी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, नर्व्स वीक होती जाती हैं, तो इस प्रकार की टैपिंग, इस प्रकार की ताली आपके नर्व्स को स्ट्रांग कर देंगी। ये सारी क्लैपिंग्स करने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को परस्पर रगड़ना है, पूरा पीछे से। जिस प्रकार से हम हाथ धोते हैं उस प्रकार से उंगलियों के पूरा बीच में पूरा रगड़ते हुए, बिल्कुल दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर शांत हो जाना है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे पता है आपको बहुत ही आनंद आया होगा। अब आप इसी प्रकार से ताली बजा के अपने पर्टिकुलर रोग को ठीक करेंगे। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, क्योंकि आपको मैं ये चाहती हूँ कि आपको वो वीडियो सबसे पहले मिले। जी हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी भी प्रकार का डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप सबका कमेंट पढ़ती हूँ और मैं आपको रिप्लाई करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।